गाइज, मैं आज आपको ना फटाफट देसी स्टाइल वाला राजमा चावल खिलाने वाली हूँ, जो कि बहुत यम्मी होने वाला है। लेकिन ये बहुत जल्दी भी बन जाएगा। एक्चुअली ये मैंने स्पेशल डिश निकाली है कि आई मीन लड़के भी ये फटाफट फटाफट बना सकते हैं। तो तेल गर्म हो गया, इसमें मैंने घी लगा डाल दिया थोड़ा सा। अब मैं इसमें प्याज डाल, तो अब हम क्या करेंगे, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना गाइज, इसमें हमें जिंजर लहसुन का पेस्ट मिला देना है। ये मैंने जिंजर लहसुन पेस्ट डाल दिया है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको राजमा रात में एक दिन पहले भिगा के रखनी है, या फिर आप 3-4 घंटे भी इसको सोक करके रख सकते हैं। बिकॉज़ जितनी अच्छी भीगी हुई राजमा होगी ना, उतना अच्छा टेस्ट आएगा इसका। इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ कलर के लिए, तो आप 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं हल्दी डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून, और गरम मसाला 1 टेबल स्पून, नमक यू नीड टू पुट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ज़्यादा कम आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। मैंने 1 टेबल स्पून से कम डाला है। और हम इसे मिर्चा भी आप अपने टेस्ट के, कोई लोग, किसी को बहुत तीखा खाने की आदत होती है तो आप तीखा भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, एटलीस्ट फॉर लाइक 10 मिनट्स। हम इसको मीडियम हाई फ्लेम में ऐसी पकाएंगे, है ना। एक चीज़ भूल गई थी इसमें डालना, वैसे ये कंपल्सरी नहीं है डालना, ये मैंने 1/2 टेबल स्पून जीरा भी डाल दूंगी भुना हुआ। तो इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू पुट जीरा देन इट्स ओके, अदरवाइज। ये हो गया अच्छी तरह से ब्राउन और मसाले भी पक गए हैं। अब हम इसमें ना प्यूरी डाल देंगे। इस प्यूरी में मैंने 2 टमाटर और 3 हरी मिर्च मिक्स किया है। अब इसको हम लो मीडियम आंच में पकाएंगे थोड़ी देर मसाले को। वाह, देखिए यम मसाला रेडी हो रहा है और इसकी गाइस स्मेल भी बहुत, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सो गाइस देखिए, अब ये प्योरी के साथ मसाला भी अच्छी तरह पक गया है। अब इसमें ना हम राजमा डाल देंगे, जो भी हमने भिगाई राजमा होगी। मुझे ऐसा लग रहा है आज मैंने शायद ज़्यादा क्वांटिटी में राजमा भिगा दिए हैं। सो लेट्स सी, अगर कभी ऐसा हो ना गाइस कि आपको लगे कि आपने ज़्यादा क्वांटिटी में राजमा भिगा दिया और मसाला कम बना है, तो आप एक बार चेक कर लो कि कितना ज़्यादा मतलब मसाले में वो हो रही है। मुझे लग रहा है मैं और डाल सकती हूँ इसमें राजमा। और जब कभी राजमा बच जाती है तो आप उसको दूसरी दाल में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप कभी दाल मखनी बना रहे हो, आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो, आप मिक्स दाल में भी यूज़ कर सकते हो भीगी हुई राजमा, तो वो बहुत तरह यूज़ हो सकती है। गाइस अब मैंने ये अच्छी तरह राजमा इसमें डाल दिया। अब इसको ना मैं 10 मिनट्स तक, इसको मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखना है 10 मिनट्स तक, ताकि ये पकता रहे गैस में ऐसे ही खुले में। गाइस देखिए 10 मिनट बाद कितनी अच्छी तरह से ये हमने इसमें कर लिया है। अब हम इसमें बस पानी मिला देंगे, ऐसे हम इसमें पानी मिलाएंगे। एक बार हम क्वांटिटी चेक कर लेंगे, ठीक है पानी की क्वांटिटी ये देखिए। बस अब हम इसमें 4 से 5 सीटियाँ लगा लेंगे। आपको 5 to 6 गाइस सफिशेंट होती है वैसे इसमें स्टीम देना, स्टीम आए तो। पहली जो आप स्टीम दोगे वो आप देना फुल आंच करके, हाई आंच में, हाई फ्लेम में, और जो दूसरी उसके बाद जो भी आएगी वो आप रखना मीडियम लो आंच में।
गाइस ये राजमा हो गया रेडी है, मैंने कुकर से निकाली है अभी आफ्टर लाइक 4 5 स्टीम्स। सो दिस इज़ हाउ दिस राजमा लुक्स लाइक एंड इट लुक्स यमी। सो आई होप गाइज यू एन्जॉयड दिस वीडियो व्हाइल मी प्रिपेयरिंग दिस राजमा, एंड आई होप दैट यू विल एन्जॉय इट टू व्हेन यू विल प्रिपेयर इट योर सेल्फ। सो गाइज प्लीज़ प्रिपेयर, ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और ये मैंने शायद 10 15 मिनट में ये राजमा बन के रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आगे आपको और वीडियोज़ आएंगे सिंपल ब्लॉग से, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग।